संदीप सर, केमिकल सेक्टर पे ही यूरोपियन मार्केट का किस तरीके से असर देखते हैं? कुछ फर्क है या कैसे है, इंपैक्ट क्या है? सॉरी, यूरोपियन मार्केट का कुछ केमिकल सेक्टर पे कुछ इफेक्ट दिखता है क्या, ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है या उसके चलते? सी मुझे लगता है केमिकल सेक्टर के ऊपर ग्लोबल मार्केट का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, क्योंकि यहाँ इंडिया की बहुत सारी डिमांड जो है वो डिमांड इंपोर्ट के थ्रू हम पूरी करते हैं, कभी वो हम चाइना के थ्रू करते हैं, कभी हम यूरोप के थ्रू करते हैं। तो इंडिया का जो स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस है उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं, उसका कोई रिप्लेसमेंट अभी अवेलेबल नहीं है। लेकिन मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, इन सभी प्रोजेक्ट्स की वजह से बहुत सारा इन हाउस लोकल मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत सी कंपनी ने स्टार्ट करा है। और कुछ कंपनीज तो ऐसी हैं, जैसे मैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की बात करूं, तो इटली का एक प्लांट उन्होंने वहां से डिसमेंटल करके पूरा का पूरा इंडिया के अंदर शिफ्ट कराया, और उसका Q3 Q4 के अंदर प्रोडक्शन और सेल होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी वो R&D फेज में चल रहे हैं। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है ये जो डिपेंडेंसी है इम्पोर्ट के ऊपर, ये डिपेंडेंसी टू सम एक्सटेंट और टू सच एक्सटेंट कम हो जाएगी, और वहां पर ये सभी कंपनीज जो फंडामेंटली अच्छी कंपनीज है वहां पर आपको वैल्यू बाइंग दिखेगी। और ये जो कैपेक्स कर रहे हैं, ये सारा कैपेक्स आपको इंक्रीमेंटल EPS में कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा। तो इसी यही रीजन है कि हमारा केमिकल इंडस्ट्री के ऊपर एक 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 पॉजिटिव रुझान है। और जनरली ये देखा गया है कि केमिकल इंडस्ट्री के अंदर जब मार्केट थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करना लगता है तो ये भी एक डिफेंसिव की तरह उभर कर आते हैं, और वहां पर एक वैल्यू बाइंग बनती है। तो वो वैल्यू बाइंग का मौका मार्केट शायद मुझे लगता है केमिकल सेक्टर अभी दे रहा है। हो सकता है आप यहाँ से बाय करें और वहां से 15% 20% काउंटर और गिर जाए, तो वहां पर घबराना नहीं है, और वहां पर थोड़ा सा आप SIP की तरफ इंक्रीमेंटल पोजीशन बनाते चलें। मुझे लगता है ये सभी काउंटर फंडामेंटली बहुत अच्छे हैं, और इंडिया के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो इंडिया का डायरेक्शन थीम है मेक इन इंडिया वाला, उसको ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारी सारे केमिकल सेक्टर में जो जो फंडामेंटली अच्छे हैं, जिनका 15% 18% के आसपास का ऑपरेटिंग मार्जिन है, और जो इनका डबल डिजिट EPS ग्रोथ है या डबल डिजिट EPS वो डिलीवर कर रहे हैं, वहां पर हमारी खरीदारी के लायक। केमिकल सेक्टर और किस तरीके से उसका इम्पैक्ट विदेशी बाजारों का।